वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉक्टर। आज हम लोग स्टॉक मार्केट के लिए एक नई स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। इस स्ट्रेटेजी में कुछ और ऐसी बातें होंगी जो पुरानी स्ट्रेटेजीज की परेशानियों को दूर करेंगी। अभी आप देख रहे हैं निफ्टी बार बार अपने साल भर के लोग को तोड़ रही है, नए लोज बना रही है और काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इंट्राडे ट्रेडर्स को, क्योंकि बाजार किसी भी वक्त एकदम से नीचे गिर जाता है और फिर किसी भी वक्त उसमें रिवर्सल्स आ जाते हैं। तो NSEindia.com में आप जाते हैं, जनरली आप ये करते थे कि निफ्टी 50 के टॉप गेनर को खरीदना और निफ्टी 50 के टॉप लूजर को बेचना करते थे, या जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उसके स्ट्रॉन्ग स्टॉक को खरीदते थे और जो वीक सेक्टर है उसके वीकेस्ट स्टॉक को हम बेचते थे। सेक्टर्स अलग अलग होते थे। इस बार हम क्या नया करने जा रहे हैं कि कोई भी सेक्टरल इंडाइसेस है जो आप इंडेक्स में अदर इंडाइसेस में देखते हैं, IT, फार्मा, ऑटो, FMCG, इसमें उसी सेक्टर के टॉप गेनर में हम हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगाएंगे और टॉप लूजर में लो के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग लगाएंगे। इससे क्या फायदा होगा कि अचानक से कोई सेक्टर प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में चला जाए तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर वो सेक्टर ज़्यादा मजबूत हो गया तो बाइंग एक्टिवेट होगी, अगर वो सेक्टर अचानक से कमज़ोर हो गया तो सेलिंग एक्टिवेट होगी। और ये ज़्यादा आसान होगा डिसीजन लेने के मामले में, क्योंकि चाहे तो 10 से 11 सेक्टर जो भी क्लियर सेक्टर्स हैं, मिक्स सेक्टर नहीं है, मिक्स सेक्टर को अलग हटा दें तो 11 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी टॉप गेनर टॉप लूजर में आप बाइंग लगा के रख सकते हैं। लगभग 22 ट्रेड आपने लगा के रखे हैं जिसमें आपको 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं, आदत होने के बाद पता नहीं लगेगा ये कोई खास काम है, और उसमें से 4-5 ट्रेड आराम से एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके एक्टिवेशन के पास बाद आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेक्टर था और उसमें अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो उसकी अपनी स्टॉक स्पेसिफिक कमजोरी है, और स्टॉक स्पेसिफिक वीकनेस होने के बाद में उसमें जो गिरावट होती है वो छोटी मोटी नहीं होती। ऐसे कोई कमज़ोर सेक्टर है और उसमें कोई एक स्टॉक भाग रहा है तो वो अपनी पॉजिटिविटी की वजह से भाग रहा है, उसके अंदर कोई न्यूज़ कोई इवेंट हुई है जो पॉजिटिव है तो उसमें जो तेज़ी आएगी वो छोटी मोटी तेज़ी नहीं आएगी, वो क्लियर तेज़ी आएगी जिसमें से 2-3% आपको मिलना बड़ा आसान होगा। तो इसको आप 3 तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आखिर हम एक तो पूरे 11 सेक्टर्स में टॉप गेनर टॉप लूजर में मतलब 22 स्टॉक्स में आपने सौदा लगाया, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो जाता है कि हम टॉप टू और बॉटम टू सेक्टर्स में ही सौदा लगाएं। हमको लगता है कि 11 सेक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हो गए, इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इसमें तो बहुत उलझ जाते हैं, हमसे होता भी नहीं है उतना, ऑर्डर मैनेजमेंट मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही आपका टारगेट पूरा होता है आपको ऑर्डर कैंसिल करना होता है, टारगेट कब पूरा हो रहा है, ऑर्डर हम कैंसिल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, माइंड कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ऐसे आपने टॉप टू और बॉटम टू जो सेक्टर्स हैं उनके बायर और उनके टॉप गेनर और टॉप लूजर में बाइंग और सेलिंग का सौदा लगाया तो टोटल 8 ऑर्डर्स लगने वाले हैं, ये एक बात हो गई। तीसरा तरीका हम आपको एक और ऑब्जर्व करने को कहेंगे, बीच के 4 सेक्टर्स ऐसे जो 0.5% से कम मूवमेंट दिखा रहे हों, लेस देन 0.5% प्लस या माइनस के बीच में, मतलब ऐसे होते हैं ना जो रेंज बाउंड सेक्टर्स हैं जिनमें समझ ही नहीं आ रहा है कि इनमें क्या मूवमेंट आएगा, लेकिन ऐसे सेक्टर्स कभी कभी अचानक टॉप पे पहुंच जाते हैं या बॉटम में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे 4 सेक्टर्स जो बीच में हैं उनमें सौदा लगा के क्या रिजल्ट आते हैं ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। तो ये काम पैरेलल करते रहिए, रिजल्ट क्या आता है उसको हम मेज़र करेंगे परसेंटेज में कि इतना कैपिटल लगाया इतने परसेंटेज का रिटर्न आया है, और जो चीज़ हमको बेहतर रिटर्न देगी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और ये एक टेक्निक, मतलब इसमें सबसे खुशी की बात है इस टेक्निक को शेयर करते वक्त कि ये टेक्निक
हमारे ही दिमाग से उपजी ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि हमारे एक ट्रेनी हैं मिस्टर दिलनवाज, उन्होंने इस टेक्निक को पहले सोचा, अप्लाई किया, अच्छे रिजल्ट आए, तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एक ट्रेनी अगर बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लेने की बात करें और अपने दिमाग को स्पून फीडिंग से बाहर करें, डिपेंडेंट ना रहे, तो आप भी कई अच्छे तरीके, कई अच्छे स्ट्रेटेजी ईजाद कर सकते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल सेट किया। थैंक यू वेरी मच, बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग।